वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनिश कुमार आजाद। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर रेलवे के बारे में, और इससे रिलेटेड मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले भी मैंने 9 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं और पैटर्न को समझ सकते हैं कि किस टाइप से हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर रेलवे में क्वेश्चन पूछता है। और आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 10, और उसका जो टॉपिक है वो है चिकित्सा से संबंधित आविष्कार और आविष्कारकर्ता, मतलब कि कौन कौन से आविष्कार हुए हैं मेडिकल रिलेटेड और उसके आविष्कारकर्ता मतलब फाउंडर कौन है, इसके द्वारा खोज किया गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है चिकित्सा से संबंधित आविष्कार और आविष्कारकर्ता, मतलब चिकित्सा से संबंधित जितने आविष्कार हुए हैं और उसके आविष्कारकर्ता का जो महत्वपूर्ण लिस्ट है, मैंने 18 पॉइंट में यहाँ बनाए हुए है, जो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर रेलवे के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक साइड में मैंने लिख दिया है आविष्कार और दूसरे साइड में आविष्कारकर्ता, मतलब आविष्कार क्या हुआ और आविष्कारकर्ता कौन है, किसके द्वारा आविष्कार हुआ। तो पहला जो है वो है रक्त परिसंचरण, मतलब रक्त परिसंचरण के आविष्कारकर्ता कौन है, तो वो है विलियम हार्वे के द्वारा जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया गया, आविष्कार किया गया। इस तरह से आगे है बैक्टीरिया, मतलब कहने का सेंस है कि जीवाणु का आविष्कारकर्ता कौन है, तो वो है ल्यूवेनहॉक। इस तरह से आगे है रेबीज का टीका किसके द्वारा आविष्कार किया गया, तो यह है लुई पाश्चर। दूध के पाश्चराइजेशन में भी लुई पाश्कर का नाम आता है। इस तरह से आगे है स्टेथोस्कोप के आविष्कारकर्ता कौन है, तो वो है रेने लेनक। स्टेथोस्कोप का आविष्कार करता है रेने लेनक। इस तरह से आगे है क्लोरोफॉर्म के आविष्कारकर्ता कौन है, जिसे निश्चेतक के नाम से जाना जाता है, तो ये है जेम्स सिम्पसन के द्वारा जो है क्लोरोफॉर्म का खोज हुआ। इस तरह आगे है कुष्ठ रोग के रोगाणु के खोजकर्ता आविष्कारकर्ता कौन है, तो वो है हेंसन के द्वारा जो है कुष्ठ के रोगाणु का आविष्कार हुआ। इस तरह से आगे है हैजा प्लस तपेदिक क्षय रोग या टीबी, इसके आविष्कारकर्ता कौन है, तो ये जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा जो है हैजा हो या तपेदिक बोलिए, क्षय रोग बोलिए, टीबी बोलिए। इस तरह आगे है मलेरिया के रोगाणु जो है बैक्टीरिया जो है किसके द्वारा आविष्कार किया गया, तो वह है चार्ल्स लावेरान जो है इनके द्वारा जो है मलेरिया के रोगाणु का आविष्कार किया गया। इस तरह से आगे है विटामिन के आविष्कारकर्ता कौन है, तो वह है हॉपकिंस के द्वारा जो है विटामिन का आविष्कार किया गया। इस तरह से आगे है इंसुलिन के आविष्कारकर्ता कौन है, तो वह है बेंटिंग एवं बेस्ट। दो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने मिलकर इंसुलिन के आविष्कार किया, और वो पहला नाम है बेंटिंग और दूसरा है बेस्ट। इस तरह से आगे पेंसिलिन की खोजकर्ता कौन है, तो ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन का आविष्कार किया गया। इसके आगे है पोलियो का टीका किसके द्वारा आविष्कार किया गया, तो वो है जोन सॉल्क के द्वारा जो है पोलियो का टीका का आविष्कार किया गया। फिर आगे है विषाणु वायरस के आविष्कारकर्ता कौन है, तो है इवानोवस्की जो है ये विषाणु वायरस के आविष्कारकर्ता है। इस तरह से आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है, आविष्कारकर्ता कौन है, तो वह है लैंडस्टीनर के द्वारा जो है ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूह का आविष्कार किया गया। इस तरह से आगे आरएनए का आविष्कारकर्ता कौन है, तो इसमें भी दो साइंटिस्ट हैं, एक है आर्थर बर्ग और दूसरा है वाटसन। इस तरह से आगे है डीएनए के आविष्कारकर्ता कौन है, तो इसमें भी दो साइंटिस्ट हैं, ये है वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है डीएनए का आविष्कार किया गया। इस तरह से आगे है विटामिन ए और बी दोनों का आविष्कारकर्ता कौन है, तो वो है मैकुलन जो है साइंटिस्ट है, उनके द्वारा जो है विटामिन ए और बी का आविष्कार किया गया। इस तरह से आगे है विटामिन डी के आविष्कारकर्ता कौन है, तो वो है हॉपकिंस के द्वारा जो है विटामिन डी का आविष्कार किया गया। इस तरह से फ्रेंड एक बार फिर से हम लोग अगर रिविजन करें, तो
रक्त परिसंचरण का आविष्कारकर्ता कौन है? तो वह है विलियम हार्वे। इसी तरह आगे है बैक्टीरिया, जीवाणु, जीवाणु का आविष्कारकर्ता कौन है? तो लुईवेन हॉफ। इस तरह आगे है रेबीज का टीका, रेबीज का टीका का आविष्कारकर्ता कौन है? तो लुई पाश्चर, लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीका का आविष्कार किया गया है। इस तरह से आगे है स्टेथोस्कोप, जिसे डॉक्टरी आला भी बोलते हैं, डॉक्टर जो आपका धड़कन को नापने के लिए, सुनने के लिए जो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, उसके आविष्कारकर्ता जो है रेने लेनक है। रेने लेनक के द्वारा जो है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया। इस तरह आगे है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का आविष्कारकर्ता कौन है? तो वह है जेम्स सिम्पसन, जेम्स सिम्पसन के द्वारा जो है क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया गया। इस तरह से आगे है कुष्ठ के रोगाणु, तो कुष्ठ के रोगाणु का आविष्कारकर्ता कौन है? यह है हैंसन। इस तरह से आगे है हैजा बोलिए तपेदिक क्षय रोग या टीबी, इसके जो है आविष्कारकर्ता है वह है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच के द्वारा जो है हैजा तपेदिक क्षय रोग या टीबी का आविष्कार किया गया। आविष्कार किया गया कहने का सेंस है कि इसके बारे में सबसे पहले अगर जानकारी किसी को है थी तो वो है रॉबर्ट कोच को, हैजा तपेदिक क्षय रोग या टीबी। इस तरह से आगे है मलेरिया के रोगाणु, मलेरिया के रोगाणु का सबसे पहले खोजकर्ता या आविष्कारकर्ता कौन है? तो है चार्ल्स लावरेन, चार्ल्स लावरेन के द्वारा जो है मलेरिया के रोगाणु का आविष्कार किया गया। इस तरह से आगे है विटामिन, विटामिन के आविष्कारकर्ता जो है वो है हॉपकिंस के द्वारा जो है विटामिन का आविष्कार किया गया। इस तरह आगे है इंसुलिन, इंसुलिन में दो साइंटिस्ट हैं, पहला है बेंटिंग और दूसरा है बेस्ट, ये दोनों के द्वारा जो है आविष्कार किया गया इंसुलिन का। इस तरह आगे है पेंसिलिन, पेंसिलिन का आविष्कारकर्ता कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस तरह से आगे है पोलियो का टीका, पोलियो का टीका का आविष्कारकर्ता है जोन सॉल्क, जोन सॉल्क के द्वारा जो है पोलियो के टीका का आविष्कार किया गया। इस तरह से आगे फ्रेंड्स है विषाणु, विषाणु और इसका जो आविष्कारकर्ता है वो है इवानोवस्की, इवानोवस्की के द्वारा जो है विषाणु का आविष्कार किया गया। इस तरह से आगे आविष्कार करने का सेंस है कि सबसे पहले उसके बारे में जानकारी। इस तरह आगे है रक्त समूह, मतलब ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है, आविष्कारकर्ता कौन है? तो वो है लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर के द्वारा जो है ब्लड ग्रुप का आविष्कार किया गया। इस तरह से है आरएनए, आरएनए में दो साइंटिस्ट जो थे इन्होंने मिलकर आरएनए का आविष्कार किया, वो है आर्थर बर्ग और वाटसन के द्वारा। इस तरह आगे है डीएनए, डीएनए के भी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया, वो है वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है डीएनए का आविष्कार किया गया। इस तरह आगे है विटामिन ए और बी, विटामिन ए और बी दोनों का एक ही साइंटिस्ट ने आविष्कार किया जिनका नाम है मैकुलन, मैकुलन के द्वारा विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार किया गया। इस तरह से आगे है विटामिन डी, विटामिन डी का आविष्कार करता है हॉपकिंस। इस तरह से फ्रेंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो हेल्थ एंड मलेरिया से रिलेटेड था उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।